ओके, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर का नाम है डिफाइनेट इंटीग्रेशन। आगे पढ़ा था वो क्या था, इनडिफाइनेट इंटीग्रेशन। डिफाइनेट इंटीग्रेशन का पहले इंटीग्रेशन तो समझ में आता है सबको। डिफाइनेट इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि इंटीग्रेशन आपको उसका रेंज डिफाइन किया होगा कि भाई यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेशन करना है, बाद में इंटीग्रेशन नहीं करना है। क्लियर? तो बेसिक पहले मैं आपको टर्म्स बता देता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन में होगा। क्वेश्चन ऐसे होंगे, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डीएक्स, मतलब ये हमें क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करो। बट अगर मैं यहां पर ऐसा लिख दू ए से बी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एफ ऑफ एक्स का एक्स इज इक्वल टू ए से लेके एक्स इज इक्वल टू बी तक इंटीग्रेशन करो। एक्स क्यों बोला यहां पे मैंने, बिकॉज डीएक्स है। अगर यहां पे डीवाई होता तो मैं यहां पे बोलता वाई इज इक्वल टू ए से लेके वाई इज इक्वल टू बी। क्लियर? फिर से समझा रहा हूं, जनरल अगर ऐसा नहीं लिखा है तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बट अभी क्या बोलना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स का एक्स इज इक्वल टू ए से लेके एक्स इज इक्वल टू बी तक इंटीग्रेशन। क्लियर? तो ये तो समझ में आ गया होगा। ओके, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं, ए सॉरी ए को बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ओके, अब इसका क्या करना है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, वो मैं टॉपिक वाइज आपको बता देता हूं। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा इस चैप्टर के अंदर, डिफाइनेट इंटीग्रेशन। डिफाइनेट इंटीग्रेशन बाय लिमिट ऑफ सम, टॉपिक का नाम बहुत बड़ा बट कोई बात नहीं। डिफाइनेट इंटीग्रेशन बाय लिमिट ऑफ सम मतलब कि यहां पे आपको डेफिनेशन से इंटीग्रेशन करना है। अब डेफिनेशन क्या है इंटीग्रेशन की वो मैं बता देता हूं, डेफिनेशन मतलब उसका मीनिंग क्या है वो मैं बता देता हूं। तो अगर मैं यहां पे कुछ भी लिखूं कि ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स, तो उसका मतलब ये होता है एरिया, उसका मतलब ये होता है कि एरिया मेड बाय एफ ऑफ एक्स बिटवीन एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी। क्लियर? ये होता है मीनिंग। क्या हो गया इंटीग्रेशन का मीनिंग, पहले ये मैंने समझा आपको इंटीग्रेशन के अंदर लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होता है। अब ये मैं समझा रहा हूं कि मैं उसको किस तरीके से फाइंड कर रहा हूं। तो बोला यहां पे बोला कि लिमिट ऑफ सम, बट ये लिमिट ऑफ सम समझाने के लिए मुझे यहां पे आपको डेफिनेशन देना पड़ेगा। तो ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का डेफिनेशन है एरिया मेड बाय द एफ ऑफ एक्स बिटवीन द ए एंड बी, ऐसा भी बोल सकते हैं। और क्लियर कट बोल रहा है तो क्या बोलना है, एरिया मेड बाय एफ ऑफ एक्स बिटवीन द एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी। क्लियर? चलो तो मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करके दे देता हूं। ऐसे जनरली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला समझने की जरूरत नहीं है, वो फॉर्मूला आप याद रखो तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते चले जाएंगे। बट मैं आपको वो फॉर्मूला किस तरीके से है ना वो पहले बता देता हूं, इसलिए आपको थोड़ी याद रखने में दिक्कत ना हो। क्लियर? ओके, तो मैं यहां पे पहले ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, फिर देन चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
माई ड्रॉइंग इज नॉट सो वेल, बट कोई बात नहीं, आई एम मैथ टीचर. ओके ओके, मैं फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ. ओके, ये मैंने ड्रॉ कर लिया फंक्शन एफ ऑफ एक्स का ग्राफ. क्लियर? अब इसके अंदर मैं आपको अलग अलग तरीके से बता देता हूं. अब मुझे इंटीग्रेशन ए से बी फाइंड करना है ना, तो एक्स इज इक्वल टू ए लाइन, तो ये है एक्स इज इक्वल टू ए लाइन, एक्स इज इक्वल टू ए लाइन, यहां पे एक्स इज इक्वल टू ए, यहां पे है एक्स इज इक्वल टू बी. क्लियर? मतलब दिस डिस्टेंस इज ए, ऐसा मैं बोल सकता हूं. एंड दिस डिस्टेंस विल बी, दिस डिस्टेंस विल बी बी. क्लियर? एंड लेंथ ऑफ दिस इंटरवल इज अ बी माइनस ए बोल सकते हैं, बट कोई बात नहीं, अभी इतना समझो. तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स ए टू बी, तो इसका मतलब इट इज एरिया मेड बाय द एफ ऑफ एक्स बिटवीन ए से बी. तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये इंटीग्रेशन होता है, इसका एरिया ये हमारा आंसर है. क्लियर? तो ये एरिया मुझे कैसे फाइंड करना है, तो ये तो आप दिमाग लगा के देख सकते हो कि भाई ये ना तो रेक्टेंगल है, ना ट्राइंगल है, ना स्क्वायर है, सर्कल भी नहीं है. तो आप ये अनइवन जो शेप आ रहा है उसका एरिया कैसे फाइंड करोगे, तो मैं समझा रहा हूं, ध्यान देना. पहली बात ये समझ लो कि भाई इसका एरिया मैं डायरेक्टली तो फाइंड नहीं कर सकता, कोई भी हमारे पास ऐसा शेप नहीं है कि मैं डायरेक्टली फाइंड करूं. ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हाँ, ये जो एरिया दिया हुआ है ना, उसको मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दू, छोटे छोटे स्ट्रिप में डिवाइड कर दू, तो मैं इसको, उस स्ट्रिप को मैं रेक्टेंगल एज्यूम कर सकता हूं. जैसे कि मैं समझो, मान लो कि छोटी छोटी रेक्टेंगल स्ट्रिप यहां पर रखी हुई है, बहुत छोटी, तो उसको मैं अलग अलग लेंथ की स्ट्रिप रख के मैं यहाँ पे इसको फिलअप कर सकता हूं, तो ये पूरा भर जाएगा. जैसे कि समझो यही लाइन है, ये लाइन हमारे लिए रेक्टेंगल का काम करेगा, एक बड़ा रेक्टेंगल विद स्मॉल विड्थ एंड बिग लेंथ. तो ये उसके बाद यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूं, उसके बाद यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूं, उसके बाद यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूं, उसके बाद इस तरीके से लाइन बनाते जाओ, तो ऑल लाइन्स आर रेक्टेंगल, स्मॉल रेक्टेंगल्स. ओके, तो उन लाइन का सम, एरिया का सम कर दू, तो हमारे लिए वो इफेक्टिव रहेगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा अराउंड, बट वैल्यू तो आएगा. क्लियर? तो मैं क्या करने वाला हूं, इस ए माइनस बी से, ए से बी लिया हुआ है ना ये लेंथ, तो मैं इसको बी माइनस ए जो लेंथ है उसको मैं बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप में डिवाइड कर दूंगा, और हर एक की विड्थ कॉन्स्टेंट रखूंगा. समझ में आ रहा है? हर एक की विड्थ मैं कॉन्स्टेंट रखूंगा, तो कॉन्स्टेंट रखना है तो कितने पार्ट में डिवाइड करना है ना, पहले वो इम्पोर्टेंट है. तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक आपको स्टेटमेंट बता के दे देता हूं कि क्या होगा स्टेटमेंट, वो मैं बता रहा हूं, ध्यान देना. स्टेटमेंट इफ वी डिवाइड ए बी इंटरवल, ए से बी इंटरवल इन एन, कितने एन सब इंटरवल, देन लेंथ, सॉरी लेंथ नहीं बोल सकता मैं, विड्थ बोल सकता हूं. बुक में कहीं बुक के अंदर लेंथ बोला, बट वो भी सही है, गलत नहीं है, बट मैं विड्थ बोलूंगा, विड्थ of each sub interval is h is equal to b minus a divided by n. ये फॉर्मूला कहां से है वो मैं समझा रहा हूं, ध्यान देना. विड्थ का नाम क्या दिया हमने, h दिया, विड्थ का नाम हमने दिया h. तो इसके मैंने n पार्ट बना दिए, कितने पार्ट बना दिए, n एन पार्ट बना तो दिए, बट हर एक का लेंथ पर विड्थ तो पता होना चाहिए ना, कितनी विड्थ है, कितनी विड्थ आ रही है. तो टोटल लेंथ इज बी माइनस ए, ये है लेंथ,
उसको एन पार्ट में डिवाइड किया तो हर एक स्ट्रिप का विड्थ कितना होगा, बी माइनस ए डिवाइड बाई एन, तो ये हो गया हमारा एच। क्लियर है? ये हर एक क्वेश्चन में एच हमें पहले फाइंड करना, याद रखना। चलो अब मैं आपको बता देता हूं स्ट्रिप के बारे में थोड़ा। तो मैं यहाँ पे अलग अलग स्ट्रिप ड्रॉ कर रहा हूं। चलो ये फर्स्ट स्ट्रिप मैंने ड्रॉ कर ली, एक हो गया, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, इस तरीके से अलग अलग स्ट्रिप है। तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू एन नंबर की स्ट्रिप लगा सकते हो। चलो यहाँ पे मैंने लगा दिया एन नंबर की स्ट्रिप। क्लियर? तो अब उसका क्या करना है, तो मुझे स्ट्रिप का विड्थ तो पता चल गया, हर एक स्ट्रिप की विड्थ कितनी है। क्लियर? हर एक स्ट्रिप की विड्थ है एच, बट मुझे अभी हर एक स्ट्रिप की लेंथ भी फाइंड करनी है। तो लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, तो लेंथ आपको पता होगा वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट इज अ लेंथ एंड वर्टिकल हाइट इज अ नथिंग बट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है वाई कोऑर्डिनेट पे। तो आपको वो समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये मैं इसकी बात करूं, इसकी हाइट क्या होगी, तो ये होगा एफ ऑफ ए। क्लियर? इसकी मैं हाइट की बात करूं तो ये बी है ना, तो ये होगा हाइट एफ ऑफ बी। क्लियर है? तो मैं कोई एक स्ट्रिप की मैं हाइट बता देता हूं, उसके इसके थ्रू आप अलग अलग स्ट्रिप की बात कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिप बड़ा बता देता हूं, एक स्ट्रिप है यहाँ पे जो मैं बिगर ले रहा हूं सबसे। ओके चलो मान लो ये 1 2 ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से स्ट्रिप बढ़ती चल जा रही है, और मैं मान लो कि आइथ स्ट्रिप है, कितनी आइथ मतलब आई की। ओके अब टू एन, आई की वजह 1 से लेकर एन तक जा सकती है। क्लियर? चलो आप ये दिमाग लगाओ कि इसकी हाइट क्या होगी। तो हाइट फाइंड करने के लिए इसका मुझे एक्स कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा वो समझा रहा हूं, ध्यान देना। इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, उसमें एच 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 एड होते चले गया। तो कितनी बार है एच एड हुआ, आई टाइम्स। तो दिस पॉइंट विल बी ए प्लस आई टाइम एच। क्लियर है? तो इसका हाइट क्या होगा, इसका हाइट होगा, हाइट विल बी एफ ऑफ ए प्लस आई एच। ये आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर? ओके तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट डिफाइन करना है, उसके बाद आपको हाइट मिल सकती है। बट मैं यहाँ पे ये सब लिखने वाला नहीं हुआ, ये मैंने समझा दिया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो रिवाइज करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो इसका एरिया होगा, इसका इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा वो मैं बता देता। देखो हियर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ गिवन ये रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, इज इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो विड्थ कितनी है एच, लेंथ कितनी है एफ ऑफ ए प्लस आई एच। क्लियर है? सिंपल है। तो रिक्वायर एरिया क्या होगा, रिक्वायर एरिया तो हमारा फाइनल एरिया। तो अलग अलग स्ट्रिप का सम कर दोगे तो आपको अलग अलग एरिया मिलेगा, और सबको मिक्स करोगे तो फाइनली आपको एरिया मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये क्या है वो, इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्या, समेशन ऑफ एरिया एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस आई एच। ऐसे एक स्ट्रिप का एरिया ना सम कर दो, कहां से कहां तक करना है, आई इज इक्वल टू 1 जो है फर्स्ट टर्म से, फर्स्ट स्ट्रिप से आई इज इक्वल टू एन तक आपको सम करना है। क्लियर है? ये तो समझ में आ गया, ये हमारा फाइनल एरिया हो जाएगा। बट आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे मैंने एक थोड़ी जगह छोड़ी हुई है, वो जगह क्यों छोड़ी हुई वो अभी मैं समझा देता हूं। देखो प्रॉब्लम यहां पे, मैंने बोल दिया कि रेक्टेंगल का एरिया, बट ये तो रेक्टेंगल है नहीं, आप इतना एरिया ले रहे हो, तो ये जो बाकी का एरिया है ये किसका, ये तो मैंने लिया ही नहीं है, तो ये तो मैंने काउंट नहीं किया। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा वो इससे कम होगा या फिर ज्यादा भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो क्या करना चाहिए इस टाइप के प्रॉब्लम के अंदर, इस टाइप के प्रॉब्लम के अंदर मुझे ये करना चाहिए कि मैं बने तब तक ये जो
विड्थ है बहुत कम रकम। जैसे कि मैंने अगर यह इतनी स्टेबली होती तो आप समझो ये पहले जो एरर आ रही थी एरिया के अंदर वो अब थोड़ी सी कम हो गई, बहुत माइनर है, इसको मैं नेग्लिजिबल कर सकता हूँ। एरिया रिक्वायर्ड एरिया की जैसा ही आएगा तो मैं बने तब तक हमारा जो एज है विड्थ है वो अबाउट जीरो रखूंगा। क्या रखूंगा? अबाउट जीरो, जीरो नहीं लेना है बट अप्रोक्सीमेटली जीरो, जीरो के पास जितना भी जा सकते हो जाओ, तब जाके हमारा परफेक्ट आंसर आएगा। तो समझ में आ गया होगा बात कि ये जो लिमिट आया है आपका सम आया टोटल उसके अंदर हम लिमिट रखेंगे, लिमिट उसके अंदर एच टेन टू जीरो होगा। क्या होगा? एच की वैल्यू अराउंड जीरो होनी चाहिए, जीरो नहीं बट जीरो के जैसी। ओके क्लियर है? तो ये हमारा फाइनल डेफिनेशन है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आप याद रखो। क्लियर? ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूं, दूसरा भी याद रखना है, सेम टू सेम एज इट इज। आप इसमें ये भी कर सकते हो, सिग्मा है आई इज इक्वल टू वन से लेके आई इज इक्वल टू एन एच इन टू एफ ऑफ ए प्लस आई एच, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, इतना तो है। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, यहाँ पे लिमिट चेंज कर सकते हो, लिमिट एच टेन टू जीरो दिया है ना, यहाँ पे आप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हो। अब ये क्या मतलब हुआ? तो मतलब तो वही है ना, अगर आप विड्थ की अगर आप एन पार्ट बना रहे हो एन, तो विड्थ क्या होगी? बी माइनस ए डिवाइड बाय एन। अगर आप विड्थ बहुत माइनर ले रहे हो अप्रोक्सीमेटली जीरो, तो आप इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रिप ऐड कर सकते हो, बहुत सारी मतलब इनफाइनाइट, तो एन टेंस टू इनफाइनाइट या फिर एच टेन टू जीरो, बोथ आर सेम। क्लियर? तो यहां पे आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि डिफाइनेट इंटीग्रेशन का इस टॉपिक का नाम बाय लिमिट ऑफ सम क्यों रखा गया है। सम करना है बट उसमें लिमिट लेनी है इसलिए। ओके नेक्स्ट लेक्चर में हम वीडियो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। ओके तब तक ये आपको याद रखना है, दोनों याद रखना है। क्लियर?